सो स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो की। और आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो ये हमारा क्लास 7 होगी, ठीक है। टिकेट कैट जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, अगस्त सितंबर के आसपास, ठीक है। सो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस देखेंगे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट थ्री टर्म्स ऑफ आवर प्रोपोर्शन आर 8, 12, 16 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फर्स्ट टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर लास्ट थ्री आपको टर्म्स दिया है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्या करेंगे, लेट द जो हमारा प्रपोर्शन लेते हैं, ठीक है, लेट द प्रपोर्शन इज, अभी थर्ड हमारे पास है, ठीक है, तो जो हम फर्स्ट ले लेंगे वो एक्स हम लेके चलेंगे, सेकेंड है 8, फिर यहाँ पर डबल प्रपोर्शन लेंगे हम, फिर 12 एंड 16, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना है इसको। ओके, अभी हमारे पास सिंपली बन जाएगा, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 8 इक्वल टू 12 अपॉन 16। ओके, अब आप इसे क्लियर करें, तो मैं यहीं से क्लियर कर देती हूँ, 8 बन जा 8 2 जा, ठीक है, एंड 2 बन जा 2 6 जा, सो एक्स इक्वल हमें क्या मिल गया यहाँ पर 6, ठीक है। सो योर फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज 6, ओके, 6 हमें यहाँ पे मिल गया, ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3x एंड 1083 आर इन द कंटिन्यूड रेशियो, फाइंड x, ठीक है, यहाँ पर फाइंड x करना है और ये सब कंटिन्यूड रेशियो है। सो देखिए, वी हैव थ्री नंबर्स, 3x और 1083, और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आर इन द कंटिन्यूड, तो यहाँ पर आप करेंगे जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूड को, तो हमें यहाँ पर इस तरह से आपको करना होगा, आप लिखेंगे 3 प्रपोर्शन x, डबल प्रपोर्शन x, ओके, फिर प्रपोर्शंस यहाँ पर आपका आ जाएगा 1083, आपको इस तरह से करना है, आपको कंटिन्यूड वाला ध्यान रखना है, ठीक है, 3x 1083 आर इन द कंटिन्यू रेशियो, फाइंड x। सो ये बन गया, अब यहाँ से आपको वही जो मैंने ऊपर आपको बताया है, जस्ट 3 अपॉन x लिखिए, यहाँ पर आप x अपॉन 1083 को लिखिए। ओके, अभी नेक्स्ट आपका स्टेप जो रहेगा वो ये रहेगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1083 मल्टीप्लाई 3। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका हमने किया मल्टीप्लीकेशन, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अभी आप इसको लिख सकते हैं √3249, ओके, एंड 3429 रूट इज 57, ठीक है, 57 का रूट होता है, यानी कि जब आप 57 का स्क्वायर करेंगे तब आपको मिलता है 3249। ओके, सो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 57, तो x इक्वल यहाँ पर हमने ले लिया 57, ठीक है, और ये आपका आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस इफ द सैलरी ऑफ बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली ₹250 एंड ₹1250। देखिए, यहाँ पर कंटिन्यूड के बारे में दिया, यानी कि यहाँ पर जो मिड पॉइंट आपका होता है, आप ये कह सकते हैं जो हमारा मिड नंबर होता है उसको 2 टाइम्स आपको लिखना है। ओके, तो इसका बनेगा इस तरह से, सबसे पहला x फाइंड करना है, तो ये हमारा x हो गया, मैं यहाँ पे लिखती हूँ x। अभी b कंटिन्यूड के बारे में बात, तो भी यहाँ पर 2 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा डबल रेशियो लगाकर इस तरह से, ठीक है, ये आपका b, ये आपका b, और लास्ट है आपका 1250, दिस इज सी। ओके, ये हमने बना लिया इक्वेशन। ओके, अब आप इसको फाइंड करें, सो इजी है, मैं इसे डायरेक्ट लिख सकती हूँ या फिर वैसे ही लिख देती हूँ, ठीक है, 250 इक्वल टू 250 अपॉन 1250। ओके, 250 इंटू 250 अपॉन 1250, सो यहाँ पर x की जो वैल्यू मिल गई हमें 50। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 kg घी कैन बी बॉट फॉर ₹192, व्हाट क्वांटिटी कैन बी बॉट फॉर ₹288, ठीक है, ये क्वेश्चन है 4 kg घी के लिए, ठीक है, व्हाट क्या 192 में व्हाट क्वांटिटी कैन बी बॉट फॉर ₹288। सो इसके लिए जो मेथड है वो सिंपल ये है कि यहाँ पर हमारे पास, सो यहाँ पर kg आपको दिया है 4, कितने रुपीज़ के लिए, 192 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें डबल प्रपोर्शन, यहाँ पर जो केजी है नहीं मालूम, और यहाँ पर रुपीज़ दिया है 288,
सो क्वेश्चन इज कि आपको 280 रुपीस में बताना कि कितना बॉट कर सकते हैं, कितना क्वांटिटी का, ठीक है। सो ओके, तो लेट द कॉस्ट ऑफ एक्स के जी घी इज 280, मतलब यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कि एक्स के जो घी, जो एक्स के जी घी है वो 288 में आ रहा है। इक्वेशन बनेगा 4192, डबल यहाँ पर प्रोपोर्शन आपको लेना है और यहाँ पर हम एक्स, यहाँ पर हमने लेट लिया है, मतलब इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्स 288, सो 4/192, इसको डायरेक्ट लिख दूँ, मल्टीप्लाई 288 यहाँ पर आ जाएगा और x को हम वहीं पे रहने देते हैं। वाई? बिकॉज हमें फाइंड करना है x, x क्या है आपका क्वांटिटी की, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ रुपीज़ 288, यहाँ पर ही हमारे पास है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ईजिली आप जैसे भी करें, इसको 4 से हम कर सकते हैं, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ठीक है। अभी हमारे पास मिल गया 288/48 इज इक्वल टू एक्स है। अब यहाँ पर आप इसको 24 से डिवाइड कर सकते हैं, 24 1 जा 24, 4 इसको दे दिया तो होगा 48, तो 24 2 जा 48, यहाँ पर 24 2 जा, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपको मिलेगा 12/2 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। सो यहाँ पर आपको जो फाइनली x इक्वल मिलेगा वो मिलेगा 6। सो हमारा जो आंसर हो गया, फिर आप देखेंगे कि 6 kg जो घी है, 6 kg घी, ठीक है, 6 kg घी कितने में आपको मिल रहा है, 288 में, ठीक है। सो द क्वांटिटी ऑफ 288 रुपीज घी इज 6 kg, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, छोटा, ठीक है। ऊपर भी मैंने वो बताया था कि आपको एक दिया 2:3 और प्रोपोर्शन 2:x, ओके। सो हेयर आप आराम से समझ सकते हैं कि आपको x ही फाइंड करना है, तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, x/6। नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो 2 × 6/3 इक्वल टू x, ओके। सो यहाँ पर डीपली इसलिए शॉर्ट फॉर्म नहीं बता रही हूँ, डीपली इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ जाएं कि इसको किस तरह से कैसे क्या है। तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। सो जो आंसर हमारे पास आएगा वो मिलेगा 4 इज इक्वल टू x, ठीक है। दिस इज़ फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस प्रोपोर्शन से रिलेटेड, प्रोपोर्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।